हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुंडन क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं एजम्पशंस के कुछ खास क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। आज बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। ये प्रथम क्वेश्चन है, देखिए कहा है कथन में, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर आप लोग देखे होंगे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तंबाकू के पैकेट पर भी इस तरह के लिखे होते हैं। इसके लिए पूर्व धारणा, जो सिगरेट के पैकेट पर लिखा गया है ये संवैधानिक चेतावनी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह क्या सोचकर लिखा गया होगा, यह क्या सोचकर उस पैकेट पर लिखा गया कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो सोचकर लिखा गया उसके पूर्व की जो अवधारणा रही होगी उसी को हम बोलते हैं पूर्व धारणा। अब हम देखते हैं कि जो ये दो पूर्व धारणा दिया है क्या यह सही है या गलत है। चलिए पहला देखते हैं, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। क्या यह चेतावनी जो दिया गया है इस पूर्व धारणा को क्या सत्यापित करता है, आप खुद सोचिए। इसलिए कहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा सिगरेट पीने से, लेकिन पूर्व धारणा बोल रहा है कि नहीं पिएंगे सिगरेट तो हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। यह क्या कहना क्या उचित है? यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि सिगरेट नहीं पीने से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं होने वाली है। आपके स्वास्थ्य की गिरावट खाना नहीं खाने से भी हो सकता है, या आप बीमार पड़ने के कारण भी हो सकता है, या आपकी स्वास्थ्य में जब वृद्धि होना होगा तो आप अच्छे भोजन खाएंगे तब होगा, सिगरेट नहीं पिएंगे तब थोड़ी होगा। इसलिए आप यह कह सकते हैं यह आपका पूर्व धारणा गलत है। दूसरा है, वास्तव में इस चेतावनी का कोई महत्व नहीं है। कोई भी चेतावनी हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, उसका कुछ न कुछ महत्व जरूर होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस चेतावनी का कोई महत्व नहीं है, तो ये हमारा कहना गलत है। जो हमारा चेतावनी दिया गया है उसका बहुत ही बड़ा मैसेज है और बहुत ही लोगों पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका कुछ न कुछ हमारे ऊपर प्रभाव है। ये कहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सिगरेट पीना, कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमारा जो पूर्व धारणा बोल रहा है इस चेतावनी का कोई महत्व नहीं पड़ेगा, यह जो कहना है हमारा गलत है। हम देख रहे हैं कि दोनों पूर्व धारणा आपका क्या है, गलत हो गया। जब दोनों पूर्व धारणा गलत हो गया तो उत्तर में ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला है पूर्व धारणा एक सही है, दूसरा है केवल पूर्व धारणा दो सही है, तीसरा है एक और दो दोनों सही है, और चौथा है ना तो एक ना तो दो। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। आप चौथा सीधा कह सकते हैं सर, ना तो एक है और ना ही दो सही है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन है। देखिए ना, आइए इस पर आधारित और भी अच्छे क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा क्या है, कहा है कि चलती ट्रेन से न लटके, एक चेतावनी है। यह कथन है किसी एक ट्रेन में चेतावनी दिया गया है चलती ट्रेन से न लटके। इसके लिए पूर्व धारणा है इस प्रकार के चेतावनी का कुछ असर होगा, कि आप खुद सोचिए जब कोई चेतावनी दिया गया है तो उसका कुछ न कुछ असर होता है, कुछ न कुछ मैसेज होता है जो हमारे ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसने कहा है कि ट्रेन से न लटके, यह एक चेतावनी लगाया गया है बोर्ड के ऊपर, तो इस प्रकार के चेतावनी का कुछ न कुछ असर होगा, यह कहना क्या सत्य है? तो हाँ, यह कहना हमारा सत्य है। इसका दूसरा है, चलती बस की अपेक्षा ट्रेन में लटकना ज्यादा खतरनाक होता है। बस और ट्रेन का इसमें कोई तुलना नहीं किया गया है, जो आपका कथन है ये केवल ट्रेन की बात करिए, इसमें तुलना नहीं किया गया है कि बस में या ट्रेन में चलना ज्यादा खतरनाक किस में होगा, ये तुलना की बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो पूर्व धारणा है इस कथन के अंतर्गत निहित नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको गलत मानेंगे। हमने देखा कि हमारा केवल एक जो पूर्व धारणा है सही है, तो आप उत्तर में देख लीजिए कौन सा है। उत्तर बोला केवल एक पूर्व धारणा सही है, तो आप इसको टिक करिए कि एक सही है, बिल्कुल सिंपल है। आइए दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, आइए लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, कहा है कि ट्रेन के अंदर सिगरेट न पिए, यह एक सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो यह कथन है, इसमें कहा गया ट्रेन के अंदर कि ट्रेन के अंदर सिगरेट न पिए,
यह सुरक्षा के लिए जरूरी यह कथन है, और कथन के बाद जो ये कथन कहा गया होगा तो क्या सोच कर कहा गया होगा, इसके पीछे की पूर्व धारणा क्या रही होगी आपको दिया गया है, आपको इसमें देखना है कि कौन सी पूर्व धारणा सही है। पहला बोला है ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है। ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेन के अंदर सुरक्षा बेहद ही जरूरी है। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे या सुरक्षा से नहीं रहेंगे तो हमें दिक्कत या परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है और कोई नहीं पीने वाला है तो उससे उसको समस्याएं हो सकती है, इसलिए ट्रेन के अंदर सुरक्षा करना बहुत ही जरूरत है, इसलिए यह कहना हमारा सही है, है ना। ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है इसलिए कहा गया कि सिगरेट मत पियो। ट्रेन के अंदर सुरक्षा जरूरी है इसलिए चेतावनी दिया गया है कि ट्रेन के अंदर सिगरेट न पिए, अर्थात हमारा इस कथन से और इस पूर्व धारणा वन से बिल्कुल मैच खा रहा है, अर्थात संबंध है। दूसरा देखते हैं, बोला साधारणतः लोग ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देते। अगर लोग ध्यान नहीं देते तो ट्रेन के अंदर इस सूचना पे लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारा पूर्व धारणा कहना गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो लिखा गया है इसका कुछ न कुछ लोगों पर प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए लिखा गया। अगर नहीं पड़ता तो क्यों लिखा जाता, इसलिए हमारा कहना ये क्या है गलत है। हमने देखा यहाँ पर कि केवल ऑप्शन ए हमारा पूर्व धारणा फर्स्ट आपका सही है, इसलिए आप ऑप्शन एक सही होगा। ठीक, देखे ना, बहुत ही अच्छा इजी सवाल है दोस्तों। आइए और भी क्वेश्चन से उसको हम लेते हैं। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें क्या कहा है इसको देखते हैं। इसमें कहा कीमती चीजें अलमारी में बंद रखिए, वह सभी को सज्जन कहिए। यह आपका कथन है। इसमें कहा गया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कीमती चीजों को अलमारी में बंद रखिए, वह सभी को सज्जन कहिए। यह आपका कथन है, और जब ये कथन कहा गया होगा तो क्या सोच कर कहा गया होगा, इसके पीछे की पूर्व धारणा क्या रही होगी। अब दो दिया, देखिए इसमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कीमती चीजें जो अलमारी में रखी जाती हैं उसे चुराया नहीं जा सकता है। क्या इस कथन से ये जो पूर्व धारणा दिया है क्या मैच कर रहा है, थोड़ा देख लीजिए। कहा कीमती चीजें जो अलमारी में रखी जाती हैं उसे चुराया नहीं जा सकता है। इसमें कहा भी है ऊपर कि कीमती चीजें अलमारी में बंद रखिए, अर्थात कहीं ना कहीं इससे हमारा मेल खा रहा है, अर्थात इसके विचारों से मेल खा रहा है। इसमें कहा है कि कीमती चीजें जो है उनको अलमारी में रखिए, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसे चुराया नहीं जा सकता है या कोई उसे चुराए ना, इसलिए कहा जा रहा है कि उसे आप अलमारी में बंद रखिए। और यहाँ कहा भी है कि कीमती चीजें जो अलमारी में रखी जाती हैं उसे चुराया नहीं जा सकता है। ये बात सही है बिल्कुल कि अलमारी में इसलिए रखा जाता है कि कोई उसे चुराए ना, इसलिए हम कहना ये पहला सही होगा। दूसरा कहा है चोरी अपराध है। इसमें कोई अपराध जैसी बात नहीं कही गई है कि चोरी करना एक पाप है या अपराध है। इसमें सिंपल बात कहा है कि कोई भी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको एक अलमारी में रखिए, और जो भी जितने लोग हैं उन सभी को सज्जन कहिए। तो ये हमारा इससे मेल नहीं खा रहा है कि कोई अपराध की बात या कोई दोष की बात यहाँ से हमको निकल कर नहीं आ रहा, इसलिए हमारा दूसरा कथन कहना गलत होगा। इसमें केवल एक ही सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन एक सही होगा। सिंपल है दोस्तों, देखिए ना बहुत ही आसान है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको रेलवे का एनटीपीसी हो या एलपी का हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या है बड़े आराम से समझिएगा। कहा है कथन में मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। ये आपका कथन है, कोई मंत्री जी हैं कानपुर में आ रहे थे, वैसा कोई बात हो गया होगा जिसके वजह से वो सारा कार्यक्रम रद्द करते हैं और वे वायु मार्ग से राजधानी चले जाते हैं। इसका पूर्व धारणा क्या है इसको देख लीजिए, कौन सा सही पूर्व धारणा है। पहला पूर्व धारणा दिया है ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। आप लोग समाचार पत्र में आप अक्सर देखते होंगे कि
कि कोई नेता वहां नहीं आए या उस तरह का कोई दुर्घटना की आशंका हुई जिसके कारण वो कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, तो सुबह ही मुख्य सुर्खियां बनकर आती है कि नेताजी ने इस कारण से यहां पर आने से मना किया या कार्यक्रम को रद्द किया। तो इस प्रकार की जो समाचार होते हैं हमेशा सुर्खियों में बने होते हैं या मुख्य हेडलाइंस में होते हैं। तो ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। क्या यह कहना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, ये हमारा कहना सही है कि ऐसे समाचार पत्र आपको हमेशा देखने को मिलते हैं ऐसी घटनाएं। तो ये कहना हमारा सही है कि ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक के रूप में होते हैं। फिर दूसरा बोला है कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। नेताजी जब गए हैं तो कानपुर और राजधानी के बीच में वायु संपर्क था, तभी गए हैं, वायु मार्ग से राजधानी चले गए, अर्थात वो कानपुर गए थे लेकिन कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाए, कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी जिसकी वजह से वो वहां से डायरेक्ट वायु मार्ग से वायुयान से राजधानी चले गए। अर्थात ये कह सकते हैं कि कानपुर और राजधानी के बीच में वायुयान का माध्यम है, अर्थात उसमें जहाजे वहां से यहाँ तक आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ये भी हमारा कहना बिल्कुल सही होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पूर्व धारणा हमारा सही है। तो आप उत्तर वाले ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा सही कह रहा है। उत्तर वाले में आप तीसरा देखिए, दोनों एक और दो पूर्व धारणा सही है, तो हम करेंगे टिक आपका तो तीसरा। तो देखिए ना दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से इसको समझिए और समझने के बाद तब उत्तर दीजिए। आपको आसानी से कथन को पढ़ना है, एक बार दो बार कथन पढ़िए, उसको अच्छी तरीके से समझिए, इसके बाद जो पूर्व धारणा दिया है आप उसके साथ जोड़िए क्या 100% सत्य में रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर रिलेट करता है सही तब आपका पूर्व धारणा सही है, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, गलत हो सकता है। आइए दोस्तों और भी अच्छे उदाहरण है उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा क्या है, कथन में कहा कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। ये आपका कथन है, कहा गया कि भारी वर्षा हुआ इसके बाद भी यातायात में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बाधा नहीं पड़ा। आपका कथन है पहला है, सॉरी आपका दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या गया है, कहा गया कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ा, अर्थात बहुत बारिश हुआ लेकिन कोई भी यातायात के साधन पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये आपका कथन है। आपका जो कथन, अब देखिए पूर्व धारणा में क्या बातें कही गई है, क्या कौन सी पूर्व धारणा इसे रिलेट कर पा रही है। पहला है वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती है, इसने सीधा कहा है कि कितना भी भारी वर्षा हो, इस पूर्व धारणा कहने का मतलब यह है कि कितना भी भारी वर्षा हो यातायात के साधन बाधित नहीं होते हैं। क्या यह 100% कहना सही है, क्या इस कथन से रिलेट कर पा रहा है? इस कथन में तो केवल यह कहा गया है भारी वर्षा हुई लेकिन इसके बाद भी हमारा यातायात बाधित नहीं हुआ, इसमें इस प्रकार का कोई नहीं कह रहा है कि खूब बारिश होगी तो वह यातायात प्रभावित ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। इसलिए आपका यह कहना गलत है कि भारी वर्षा के कारण संचालन व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, यह हमारा कहना गलत है। अब दूसरा देखते हैं, वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानी ली गई थी। हाँ ये कहना हमारा सही है कि भारी बारिश हुआ इसके बावजूद भी गाड़ियां या जो भी यातायात की बाधाएं थी वो सामने नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां बरती गई थी, पानी के निकासी की व्यवस्था की गई थी, इसलिए बाधाएं नहीं आई, इसलिए हमारा ये कहना दूसरा सही होगा। तो दूसरा सही है, इसलिए आप कह सकते उत्तर में देख लीजिए केवल पूर्व धारणा दो सही है। देखिए ना दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये जेम्सन का क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग नहीं आता है, केवल आप इसको कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल इजी बन जाते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा एजेंशन का जो दोनों वीडियो है सेशन है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।